Alpinist. Maybe you are worried about Alpinist. Many have asked me how to crack Alpinist. Many have asked me how to get a 50% scholarship in Alpinist. Many have asked me when LPU start a new admissions. So, you clicked in a right video. I look at what's in front of me. Don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a tougher me. And if you are thinking this is a regular vlog like Vivo Y rating, so you are wrong. Because this is a much more than. Because in this video, I am just sit here and talk to you guys and give some personal tips about Alpinist. And trust me, if you're watching this video, na, I will guarantee to you, you will get a 50% or more than scholarship in Alpinist. Because I tell you everything about Alpinist. And also, I have a surprise for you guys. Surprise aapko video mein dekhne ko milega. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माय नेम इज धीरज एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरप्राइज के बारे में कि सरप्राइज क्या है। तो सरप्राइज ये है कि एलपीयू ने अब नया एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इस सेशन में एडमिशन लेना चाहते हो इस फेज में, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि एलपीयू का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब बात आती है कि एडमिशन स्टार्ट हो गया तो एडमिशन कैसे ले, मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप कैसे पाएँ, है ना। तो यार आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक दूंगा जहां पर आपको अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है। ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपको ये रजिस्ट्रेशन से लेके आपके रिपोर्टिंग तक सारी मदद करेंगे। और आगे आने वाले समय में भी अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो ये आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, कि अगर आप इनके वेबसाइट पे जाके अपना इन्फॉर्मेशन फिल करते हो तो ये आपको एलपीयू नेस्ट में 50% डिस्काउंट देंगे, ट्रस्ट मी। और अगर आपको सिलेबस चाहिए या फिर आपको कहाँ से पढ़ाई करना है, 50% स्कॉलरशिप कैसे पाएं, कैसे तैयारी करें, तो ये आपको हर एक चीज़ में मदद करेंगे। बस सिंपली आपको क्या करना है कि आपके इनके वेबसाइट पे जाके अपना डिटेल भरना है। और अगर आपको इनका व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली जाके इनसे कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो डायरेक्ट करो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इनके वेबसाइट पर जाके आप अपना फॉर्म फिल करो, ये आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिलवाने में ये कोशिश करेंगे और आपको 50% डिस्काउंट देंगे एलपीयू नेस्ट में, या ट्रस्ट मी। तो जल्दी जाओ यार, तुरंत आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल करो और इनसे बात करो। अब बात करते हैं सिलेबस और कौन कौन सा रिसोर्सेस फॉलो करना चाहिए। देखो, ये आपको सिलेबस बता देंगे, ये आपको बता देंगे कि कैसे 50% स्कॉलरशिप पाए, पर एज ए सीनियर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सिलेबस की बात करें तो इनका 5 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और एप्टीट्यूड। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको 12th और 11th का पढ़ना है एनसीईआरटी, और कहीं से भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इंग्लिश और एप्टीट्यूड की बात करें तो ये थोड़ा अलग है, मतलब इंग्लिश तो आपके 12th में होता है पर एप्टीट्यूड थोड़ा अलग है। तो इंग्लिश आप पढ़ लेना, मैं आपको यूट्यूब चैनल का एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर पढ़ लेना। एप्टीट्यूड का भी एक यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। ट्रस्ट मी, ये जो प्लेलिस्ट है ना, पूरे आपके सिलेबस से मैच करता है, क्योंकि मेरा भी एप्टीट्यूड 5th सेमेस्टर में है तो मैं यहीं से पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। और एप्टीट्यूड आपका लॉजिकल चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए। लाइक आपको लॉजिकल थिंकिंग अगर आपकी सही रहेगी तो आप एप्टीट्यूड जल्दी समझ लोगे और इसमें आप पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हो अगर आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ते हो। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना और वहीं से आप अपना प्रिपरेशन करना। अगर एलपी नेस्ट के एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपका 12th में 90% के ऊपर है, देखो पहले क्या होता था ना कि अगर आपका 10th में 90% के ऊपर होता था तो आपको ये 40% से ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते थे, कोई भी एलपी नेस्ट नहीं देना होता था। लेकिन अगर आपका 12th में 90% के ऊपर है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अबे तेरा 50% पक्का। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप एलपी नेस्ट का फॉर्म भरो, मैंने लिंक दे ही दिया है, उन पर जाके कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। और हाँ, एलपीयू का न्यू फेज स्टार्ट हो गया, एडमिशन अब वो ले रहे हैं, ठीक है। जनवरी से आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, जल्दी जल्दी जाके फॉर्म को फिल करो, क्योंकि अगर आप इस फेज में एडमिशन ले लिए ना तो आपका 50% इससे ज़्यादा भी स्कॉलरशिप बन सकता है। तो जल्दी से जाके इनके फॉर्म को फिल करो और इनसे कॉन्टैक्ट करो। हाँ तो भैया, मैंने आपको सरप्राइज बता दिया, आपको एलिजिबिलिटी बता दिया कि कैसे आप पास होते हो। लाइक अगर आपका 300 प्लस आ गया ना तो आपका 50% तो बन ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हर साल का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा अलग थोड़ा इधर उधर होता है। पर हाँ, ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो, ये जो मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और एनसीईआरटी का पढ़ना, उससे हट के मत पढ़ना, और जो प्लेलिस्ट मैंने दे दी है वो पढ़ना, ट्रस्ट मी आप भरोसा करो कि आपका 50% से ज़्यादा ही स्कॉलरशिप मिलेगा और अच्छे नंबर आप लाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और जानना है एलपीयू नेस्ट से रिलेटेड तो आप तुरंत मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करो। और हाँ, तुरंत जाके
इनके वेबसाइट पे आप अपना डिटेल भरो और तुरंत इनसे कांटेक्ट करो, ये आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप अपना डिटेल भरना है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी हर एक चीज़ में मदद करेंगे, चाहे सिलेबस हो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे ये एलपीनेस्ट हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में मदद करेंगे। तो आप तुरंत जाओ, कॉन्टैक्ट करो। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो थोड़ी सिंपल थी क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन अगला वीडियो काफ़ी अच्छा आने वाला है, लाइक ब्लॉग आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movie.